काशीपुर में गुरु मंत्र संत समागम का आयोजन किया गया। इसमें श्री अकाल तख्त साहिब से आए पंज प्यारों द्वारा अमृत संचार किया जा रहा है। गौराया पेपर मिल में सिख संगत द्वारा 19 मार्च तक 325वें खालसा सर्जना दिवस समर्पित गुरुमत संत समागम मनाया जा रहा है, जिसमें श्री अकाल तख्त साहिब से आए पंच प्यारों द्वारा अमृत संचार किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान गुरु के लंगर का भी आयोजन किया गया है। वहीं खालसा सृजना दिवस के उपलक्ष्य में देश के कोने कोने से सिख संतों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसी के साथ ही द खालसा समाज सेवा सोसाइटी के द्वारा पंथ रत्न जत्थेदार बाबा हरबन सिंह प्रतिभा सम्मान 2024 के दौरान शिक्षा खेल व समाज के क्षेत्र में दस्तारबंदी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 14 अप्रैल को किया जाना है। आज काशीपुर की धरती धन्य हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिवसीय सत्संग चल रहा है। कल हुआ था, आज है और कल भी रहेगा। कल जो है अमृत संचार होगा और इस समागम में इंडिया के कोने कोने से रागी हड्डी कीर्तनीय कथावाचक पहुँचे हुए हैं, जो मानस की जात सभ्य के पहचान वो का उपदेश देकर संगत को निहाल कर रहे हैं, गुरु जी के उपदेशों का प्रचार कर रहे हैं, सिख धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमें आपस में किस तरीके से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। सभी मानस, सभी जातियां, सभी धर्म, सभी एक समान हैं। तो आज जो है यहाँ पर दूसरे दिन का समागम चल रहा है। ये सिख धर्म का 325वां सालाना समागम और आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ काशी का, और गुरु हमारे उम्मीद जो यहाँ पे उन्होंने इसका प्राप्त हुआ इसका संचालन जो किया, और सभी धर्म प्रेमी लोग, सभी धर्म गुरुओं का एक ही मकसद होता है कि भाई अपने धर्म का प्रचार हो, लेकिन सभी धर्म के साथ हम कोई सा धर्म, सबका मकसद एक ही है, सुख शांति बनी रहे और देश हमारा विकास करें, देश विकास करें, सब लोग इसी में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।